केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। दो दिन की लगातार बारिश के बाद आज मेरठ के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। स्थानीय लोग तत्काल लोगों को बचाने में जुट गए हैं। 3 लोगों को सुरक्षित मौके से निकाल लिया गया है। बाकी 7 लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू अभियान में जुट गई है। मौके पर कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और SSP विपिन टाडा समेत अन्य अफसर मौजूद हैं और इसका और ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं। मेरठ के SSP विपिन टाडा ने बताया कि 3 मंजिला मकान भरभराकर गिरा है। इसमें 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लगातार रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। बताया गया है कि यह मकान 90 साल की बुजुर्ग महिला नफो का है। यहाँ नफो को 2 बेटे साजिद व गोविंदा अपने पत्नी व बच्चों और परिवार के साथ रहते हैं। पूरा परिवार ही मलबे में दबा है। नीचे डेयरी है। बताया जा रहा है कि भैंसें भी मलबे में दब गई हैं। देखिए, इसमें एक 3 मंजिला मकान है जो कि अभी भरभरा कर गिर पड़ा है और इसमें कुछ 8 से 10 लोग होने की संभावना आसपास के लोग जता रहे हैं। 2 लोगों को बचाया भी गया है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु टीमें लगी हैं। फायर की टीम है और साथ में जो पुलिस है स्थानीय वो भी लगी है। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो भी अंदर हैं उनको निकाला जाए। अभी तक कोई कंफर्म्ड कैजुअलिटी इसमें नहीं आई है, बल्कि 2 लोग जिंदा निकाले गए हैं और भी हम प्रयासरत हैं कि 3 लोग निकाले गए हैं और भी प्रयासरत हैं कि और भी लोग निकाले जा सकें। टोटल कितने लोग बताए जा रहे हैं? कुछ 8 से 10 पशु और 8 से 10 व्यक्ति इसके अंदर अभी मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, परंतु स्थितियाँ तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब सारा मलबा हटेगा और इसमें लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। क्या हादसा हुआ है और अभी तक क्या स्थिति है? जाकिर कॉलोनी में एक बिल्डिंग गिर गया है। उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि 8 से 10 लोग दब गए हैं। वही अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा, फायर और पुलिस कर रहे हैं। आर्मी को भी बुला लिया, NDRF SDRF को सूचना दे दिया है। तो जैसे ही आ जाएंगे वी आर कंटिन्यूइंग द वर्क। अभी कितनी कैजुअलिटी की कोई सूचना है? अभी कुछ ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वी आर ऑल इन द रेस्क्यू वर्क। कितने लोग निकालेंगे मलबे के ढेर से? अभी वी आर डूइंग इट। अभी NDRF की टीम बुलाई, अभी बुलाया गया, बस आ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग देम एट दिस। कितने लोग अभी अंदर हो सकते हैं? 8 लोग बता रहे हैं, 8 से 10 होंगे। मैम कुछ गोवंश भी? हाँ, वो भी बता रहे हैं, बस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस अपडेट पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।